वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड cooking.com। आज मैं आलू बीन्स सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक सूखी सब्जी है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें चाहिए आलू 2 कटे हुए, बीन्स 1 कप कटा हुआ, जीरा 1 चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच, प्याज 1 बारीक कटा हुआ, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हरी मिर्च 1 कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, पानी 2 बड़े चम्मच और तेल 1 बड़ा चम्मच। आलू बीन सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में तेल गर्म करते हैं। जब तेल मीडियम गर्म हो जाता है तो हम इसमें जीरा और साबुत धनिया डालते हैं। धनिये को हमें हल्का गोल्डन होने तक भूनना है। अब हम इसमें डालते हैं कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम गोल्डन होने तक भूनते हैं और अब हम इसमें डालते हैं मसाले, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला। इन सब मसालों को हम प्याज में अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हम अब तब तक पकाते हैं जब तक इसके कच्चेपन की स्मेल आना बंद हो जाए। अब हम इसमें डालते हैं कटे हुए आलू, साथ ही हम इसमें मिला देंगे नमक। अब हम इसमें मिलाते हैं 2 चम्मच पानी। और अब हम आलू को 2 मिनट तक पकने के लिए रख देते हैं। इसे हम बीच बीच में चलाते हैं। अब हम इसमें डालते हैं बीन्स। इसमें 1 बड़ा चम्मच पानी डालते हैं और इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर हम लगभग 7 से 8 मिनट के लिए बर्तन को ढककर आलू बीन्स को पकने के लिए रख देते हैं। ये आलू सॉफ्ट हो चुका है तो आलू बीन्स की सब्जी तैयार है। इसे आप रोटी या पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।